आइए बच्चों, अब हमारा अगला पॉइंट है वीर माता जीजाबाई। उनके बारे में पहले थोड़ी जानकारी लेते हैं। राजमाता जीजाऊ जन्म स्थल यहाँ पे देखो दिख रहा है आप लोगों को। इनका उपनाम था जीजा माता, जन्म स्थल स्थल था सिंधखेड़ राजा बुल्धाना, मृत्यु स्थल जो है महाराष्ट्र। आंदोलन मराठा संग्राम। जीवन परिचय, मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी राजे भोसले की माता जीजाबाई का जन्म सिंधखेड़ नामक गांव में हुआ। यह स्थान वर्तमान में महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत में है। इनके पिता का नाम लखूजी यादव, माता का नाम महालसा बाई था। जीजाबाई का विवाह शाहजी के साथ बहुत कम उम्र में हो गया था। उन्होंने सदैव अपने पति का राजनीतिक कार्यों में साथ दिया। शाहजी ने तत्कालीन निजामशाही सल्तनत पर मराठा राज्य की स्थापना की कोशिश की थी, लेकिन वे मुगलों और आदिलशाही के संयुक्त बलों से हार गए। संधि के अनुसार उन्हें दक्षिण जाने के लिए मजबूर किया गया। उस समय शिवाजी महाराज की आयु 14 वर्ष की थी, अतः वे माता के साथ रुक गए, वहीं रह गए और बड़े बेटे को संभाजी को लेकर पिता कहाँ चले गए, दक्षिण की ओर चले गए। जीजाबाई का पुत्र संभाजी और उनके पति शाहजी अफजल खान के साथ एक लड़ाई में मारे गए। पुत्र और बेटे दोनों एक लड़ाई में मारे गए। यह बात सुनकर जीजाबाई जो थी सती होने की कोशिश की। मतलब सती होना मतलब बच्चे पहले के समय में जब पति मर जाता था तो पत्नी भी उनकी चिता पर जिंदा जल जाती थी। कोशिश की, लेकिन शिवाजी महाराज ने उनका विरोध किया, अनुरोध किया, उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। आइए बच्चों, अब हम लोग अगले पेज पर आते हैं। जो हमारा पॉइंट था यहाँ पे वीर माता जीजाबाई, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है ना। जीजाबाई बुल्धाना जिले के सिंधखेड़ राजा के पराक्रमी सरदार लखूजी बाई यादव की कन्या थी, है ना। अब अगले पेज पर आ जाते हैं बच्चों। अगला जो हमारा पॉइंट है उसकी ओर बढ़ते हैं। स्वराज, यहाँ पर देखिए जीजा माता का देख रहे हो आप लोग, वीर माता जीजाबाई का फोटो। स्वराज स्थापना के कार्य में उन्होंने शिवाजी महाराज को निरंतर मार्गदर्शन किया। समय आने पर वे प्रजा की समस्याओं को हल करने के लिए न्याय करने का कार्य भी करती थी। वे शिवाजी महाराज को उत्तम शिक्षा देने के प्रति जागरूक थी। उन्होंने शिवाजी महाराज को, बच्चों ये प्रश्न आ सकता है आपको, इस प्रश्न पे आप विशेष ध्यान देना कि वीर माता जीजाबाई द्वारा शिवाजी महाराज को दिए गए संस्कार, तो क्या है संस्कार? शिवाजी महाराज को उन्होंने चरित्र, सत्यप्रियता, वाक्पटुता, सजगता, धैर्यशीलता, निर्भयता, शस्त्र प्रयोग, जीतने की आकांक्षा, स्वराज्य का स्वप्न आदि बातों के संस्कार उन्होंने दिया। अब आते हैं शिवाजी महाराज की ओर। शिवाजी महाराज के सहयोगी। शिवाजी महाराज ने स्वराज स्थापना का प्रारंभ मावल क्षेत्र में किया। वर्तमान पुणे जिले का की पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा का क्षेत्र मावल कहलाता है। मावल का क्षेत्र पर्वती खाई घाटी और दुर्गम क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र जहाँ पर जल्दी जा नहीं सकते हम, ऐसा क्षेत्र। शिवाजी महाराज ने मावल की इस भौगोलिक परिस्थिति का उपयोग स्वराज्य स्थापना के लिए बड़ी कुशलता से किया। उन्होंने लोगों के मन में विश्वास और अपनापन की भावना निर्माण की। स्वराज्य स्थापना के इस कार्य में उन्होंने विश्वसनीय साथी सहयोगी मिले। उनमें यशाजी कंक, बाजीराव पासलकर, बापूजी मृदगल, नरहेरकर, देशपांडे, बंधु कावजी, ये जो थे इनके क्या थे, सहयोगी, विश्वसनीय सहयोगी, साथी सहयोगी, जो उनके लिए अपने आप को अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे। देखो बच्चों, 12 मावल, पावना मावल, हिरसड़ मावल, देख रहे हो आप लोग, ये मावल के बारे में यहाँ पर जानकारी दी। शिवाजी महाराज की पुणे जागीर के सह्याद्री पर्वत की गोद में स्थित प्रदेश मावल घाटी कहलाता था, इसे 12 मावल भी कहते थे। ये सारी घाटियाँ हैं उस क्षेत्र की बच्चों, ये घाटियाँ जो हैं उनके नाम हैं। अगला आ जाते हैं यहाँ पर, देखो सहयोगी जो मैं अभी सहयोगी साथी की का नाम बता रही थी, कोढ़ालकर, जीवा महाला, तानाजी मालसूरे। तानाजी मालसूरे पे एक मूवी बनी है बच्चों, आप लोग देखो उसको, अवश्य देखो। शिवाजी महाराज के सबसे विश्वसनीय साथी में से एक थे, जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया स्वराज्य की स्थापना के लिए। कान्होजी जे थे, बाजी प्रभु देशपांडे, दादाजी नरस प्रभु देशपांडे, कुछ नाम ऐसे हैं जो इन साथी सहयोगी के बल पर उन्होंने स्वराज स्थापना का कार्य हाथ में लिया। देखो ये ब्लू में बच्चों देख रहे हो आप लोग,
बॉक्स में शिवाजी महाराज के सहयोगी जीवा महाला तानाजी मालसूरे बाजी प्रभु देशपांडे के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो तानाजी मालसूरे पे तो पिक्चर बनी है बच्चों अजय देवगन की, आप लोग देखो, उससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी कि किन विपरीत परिस्थितियों में वो मुगलों से संघर्ष करते थे, अपने स्वराज्य को, अपने महाराष्ट्र को बचाने के लिए कितना उन्होंने अथक प्रयास किया है। राजमुद्रा, जब